रुड़की के कॉलेज में दो गुलदारों की चहलकदमी, खौफ में आया कॉलेज प्रशासन। खतरे में 500 बच्चों की जान, वन विभाग कब लेगा एक्शन? ये वीडियो रुड़की के महर्षि दयानंद मेडिकल साइंस एंड इंस्टीट्यूट कॉलेज की है। ये कॉलेज धनौरी क्षेत्र के जसावला रोड के पास है। मंगलवार देर रात यहाँ अचानक दो गुलदार आधमके। कॉलेज परिसर में गुलदार का जोड़ा दिखने से हड़कंप मच गया, छात्रों में दहशत फैल गई। कॉलेज के बच्चे अब दिन के समय में भी कॉलेज परिसर में जाने से डर रहे हैं। गुलदारों का वीडियो हर किसी के अंदर सिहरन पैदा कर रहा है। कॉलेज कैंपस में दोनों गुलदार आपस में झगड़ते हुए सीसीटीवी में कैद हो गए। जैसे ही ये वीडियो लोगों के सामने आया, ग्रामीणों और स्कूल प्रशासन में खौफ का माहौल हो गया। एक तरफ कॉलेज के छात्र छात्राओं को अब कॉलेज जाने से डर लग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गांव वालों के लिए खेतों में जाना मुश्किल हो गया है। गुलदार के जोड़े ने आधे घंटे से ज्यादा कॉलेज कैंपस में समय बिताया। गुलदार की धमक से हर किसी की सांसें अटक गई हैं। कॉलेज प्रबंधक अश्विनी सैनी ने पूरी घटना के बारे में बताते हुए कहा कि पहले भी गुलदार दिखने की घटनाओं के बारे में वन विभाग को बताया जा चुका है। सुरक्षा के लिए दो सुरक्षाकर्मी हमेशा तैनात रहते हैं, लेकिन रात के समय में गुलदार के दिखने से वो भी अपनी जान बचाने के लिए छुप गए। उन्होंने बताया कि इस कैंपस में दो कॉलेज के करीब 500 से 600 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। मैं लगभग 2:15 बजे के करीब का समय था, तो वैसे तो हमारे यहाँ दो चौकीदार संस्थान में रहते ही हैं, ये महर्षि दयानंद मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और सरकार देखा जाता रहा है। पहले कई बार भी देखे, वन विभाग को सूचना दी है गुलदार और बाघ है, काफी वयस्क हम जिसे कह सकते हैं, बाघ कह सकते हैं उसको, चीता टाइप थे। दो वयस्क 2:00 बजे यहाँ घुसे, कैमरों में हम लोगों के द्वारा देखे गए। यहाँ जो चौकीदार थे वो डर, उन्होंने अपने आप को बिल्डिंग में बंद कर लिया। लगातार वो करीब 30-35 मिनट तक यहाँ संस्थान में घूमते रहे। और ये संस्थान है साहब, महर्षि दयानंद मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जसपा वाला रोड धनौरी पर स्थित है, और आईटीआई कॉलेज भी है कि कैंपस में दो कॉलेज हैं यहाँ, और लगभग 500-600 बच्चे अध्ययनरत। बार यहाँ दिन देखा गया है 5:30-4 बजे जैसे तो छुट्टी होती है आसपास। सूचना पूर्व में भी कई बार मीडिया के माध्यम रिटर्न में हम लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को भी दी है। कॉलेज प्रबंधक अश्विनी सैनी ने बताया कि कॉलेज कैंपस में लगातार गुलदार दिखने से हर किसी को जान का खतरा हो गया है। गुलदार कॉलेज की दीवार कूदकर यहां आ जाते हैं। हमारी वन विभाग से मांग है कि जल्द से जल्द गुलदारों को पकड़ा जाए। ये देखिए, आप लोग आए, आपको भी ये भली प्रकार से जानकारी है। यहां जो हमारे निकट जो मीडिया कर्मी हैं धनौरी से जो रहते हैं, उनका क्षेत्र द्वारा यहाँ रहती है, और जिससे के जान का तो बहुत ज़्यादा ही खतरा लगा रहता है। यहाँ बच्चे हैं, वो परीक्षाएं कई बार 6:30-6 बजे तक भी, देर रात तक परीक्षाएं छूटती हैं बच्चों की कई बार यहाँ परीक्षाओं के समय में तो, और लगभग 5:30-5 बजे के आसपास भी यहाँ इस प्रकार के जानवरों की मूवमेंट रहती है। कई बार वो बाउंड्री के अंदर भी आ जाते हैं, जैसे कि रात को वो 2 बजे आए हैं। अभी एक माह पूर्व भी वो ऐसे ही बाउंड्री लांघ और एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के सामने काफ़ी देर तक बैठा रहा, और इतनी ज़्यादा वो हमला करने का प्रयास करते हैं कि वो आहट सुन के भी नहीं भागते। सूचना होने के कहते हैं कि वन विभाग इस पर कड़ा एक्शन ले, शासन इस पर कड़ा एक्शन ले, और यहाँ या तो वो उस प्रकार की एक्टिविटी जो भी एक वन विभाग कर सकता है इन जानवरों को पकड़ने के लिए वो तत्काल करें, अन्यथा आने वाले, मैं तो ऐसा देखे, मेरी ऐसा कोई है तो नहीं कि भाई मैं ऐसा चाहता हूं कि एक क्षेत्र में ऐसी हो, लेकिन अप्रिय घटनाएं देखने को मिल सकती है। कॉलेज प्रबंधक अश्विनी सैनी के मुताबिक जो आदमखोर रात के समय में देखे गए हैं वो चीता या बाघ जैसे लग रहे थे। अगर ऐसा है तो ये सच में वाकई खतरे वाली बात है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।